हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया न्यू व्लॉग के अंदर। तो यार बस मैं अभी तैयारी कर रहा था, जाता हूँ टोपी शोपी पहन तो देखता हूँ टोपी की जगह टोपी आई थी नीचे पड़ी हुई है, और जाता हूँ टोपी पहन तो नमाज पढ़ने जाता हूँ, नमाज से आता हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि उसके बाद दो तीन चीज़ें लेकर जानी है बेकरी, तो फिर आप लोगों को मैं नमाज से आके मिलता हूँ। यार हेलो गाइस, मैं नमाज पढ़ के वापस आ गया था, तो बस अभी जाता हूँ बेकरी, बेकरी से दो तीन चीज़ें लेके आनी है, तो चलें चलते हैं। हाँ तो भाई लोग, अभी कज़न के घर आ गया हूँ, तो जल्दी से कज़न को बुलाते हैं, घंटी मार के जल्दी आए के जाएं फिर बेकरी। कॉल, चल चले हमारे यार, जाना है बेकरी यार, बेकरी जाना है, ब्लॉग बना रहे हैं, बेकरी बेकरी जाना है, ब्रेड ब्रेड लेके आनी, तेरे भाई आज सैंडविच बना रहा है। हमारे आ गया, हमारे उठा हुआ था, कैसे हुआ था, अभी उठा है। हाँ नहा क्या है यार, नहा क्या है, लग रहा अभी है साफ सुथरा, 10 साल के बाद नहाया हमारे। मैंने क्या बेकरी जाने जाते हैं, अच्छा। तो तीन चीज़ें लेके आनी बेकरी से, वो तेरा भाई आज सैंडविच बना रहा है खुद ही। वाह यार खर्चे, साथ साथ तेरा भाई इनको भी बताया किस तरह बनाना है, तो जो जल्दी कर, बस तैयार है चले। हाँ मैं तैयार हूँ, बस चल आप दौरा बंद कर दे, चले मैं आता हूँ एक मिनट में। अभी कहता तैयार हो गया, कहते आता हूँ, आता हूँ जल्दी कर, अच्छा जल्दी लेकर जल्दी कर भाई लोग, ये हमारे भाई जल्दी, हमारी जल्दी से आ जाए, बस फिर जाते हैं अभी यार, फिर जाते हैं बेकरी, जाते हैं बेकरी से जाके जाके सैंडविच ब्रेड ले लेता हूँ, ताकि मैं फिर घर आके आप लोगों को बताऊं कि सैंडविच ब्रेड तो फिर मतलब जिस तरह हम लोग सैंडविच किस तरह बना सकते हैं, फुल मज़ेदार सैंडविच आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बनाया हुआ तो बहुत मज़े का बना था, तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर कर लेता हूं किस तरह बनता है सैंडविच, मतलब बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो बस जल्दी से आते फिर हम जाते हैं बेकरी। हमारे यार बस तो तुमने वही ठगी की है, मैं घर में बैठा हुआ था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था ना, हाँ मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो उसमें मैंने कहा यार कि एक मैच तू भी जीता है और एक मैच में ये भी जीता हूँ, दो मैच ये लोग भी हारे, दो मैं भी हारूँ ना, तुम लोग फाइनल में चलो, क्यों मैं फाइनल में नहीं गया, मतलब मुझे चीज़ समझ नहीं है। मैंने घर में कहा, मैं घर में बैठा, मैंने शहरी को कहा, शहरी कहता तुम लोगों ने वो सही नहीं किया था ना, अब ऊपर से वो क्या कहते हैं, मैं घर आया, मैंने कहा यार ये तो ठगी हो गई है मेरे साथ, वापस कर भी नहीं सकते थे, बस मैंने कहा चलो ये मैच हार गए, खैर थे अभी बस जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर रह गया। अच्छा शान, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बेकरी जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ अभी, और इस टाइम पर इंसान की तरफ बहुत बढ़ती है, इंसान रमजान में बस इंसान यही काम करता है, बेकरी चला जा और सब्जी लेके आ जा, और जिस बंदे को मोटरसाइकिल चलाने आती हो ना, उसकी ज़िंदगी ऐसी है यार, ये चीज़ लेके आ जा, ये लेके आ जा, बस यही चीज़ लाते लाते ना ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमारी, कभी कभी हाँ मतलब कभी ब्रेड लेके आ जाए, कभी कुछ और लेके आ जाए, बस यही चीज़ें लाती रहे। आप बाइक चला रहे हो, देख रहे हो बाइक चला रहे हैं, चले आए बस अभी जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ कि जल्दी गा रहे हैं और अपनी वो रेसिपी स्टार्ट करें सैंडविच वाले। एक तो ये रोड की हालत देख, बाकी चीज़ें छोड़, ये हमारे पेशावर का हाल हो क्या रोड है यार, दसों से ऐसे रोड का मज़ा आता है। अभी मैं वो कल बैठा हुआ था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था ना, तो उसमें जब आया क्लिप आई है ना, वो लास्ट वाली, वो जब आया वो कब उठा के भाग रहा होता है, कसम खुदा कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मैं तो गिर आए थे, बात सुन यह सब गए भाग के गए और कब उठा के भाग रहे, अगले को मैंने क्या बात सुन, अगले कब उठा के बस निकल के गया, बस मैं बस कब उठा के भाग जाऊँ, कब मेरा हो जाए। कल की वीडियो में मज़ा आया, अगर अभी आप स्टूडियो में बताएं कि उसका सेकंड पार्ट आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम लोग और मेहनत करेंगे ताकि वो वीडियो अच्छी बन जाए, तो अभी बस पहुँचने वाले हैं हम बेकरी, तो आप लोगों से बेकरी के पास जाके मिलते हैं। हाँ तो भाई लोग बेकरी यार, दूसरी वाली भी उठा लेते हैं, दो तीन और ये एक और, चार रेडी हो गई, बस रेडी मेडी ले लिए, जाते फिल करवाते हैं। तो यार अभी ले लिए है, सुपर मार्केट भी चलता हूँ, ब्रेड श्रेड ले लिए, बस अभी हम घर जाते हैं। हाँ यार चीर का दिन है, तो ये बता रहा हूँ रमजान में लोग ज़्यादा सारी चीज़ें लेने निकले होते हैं, घर की सारी चीज़ें लेने निकले होते हैं, तो बस अभी यही है कि मैं जाता हूँ घर जाते जल्दी से, और ये एक ब्रेड पहले तो वो चाचू के घर छोड़ के आनी है, क्योंकि वो एक रुकी है, तो उनको पहले दे के आ जाते हैं, फिर अपने घर जाता हूँ। अभी दूसरी तरफ से रेस्ट थी उस तरफ, तो मैंने सोचा है कि यार पर स्टेडियम रोड वाली जगह से जाते हैं, क्योंकि वहाँ अगर खाली भी होता है तो उधर सही रहेगी ना, यहाँ ज़्यादा रेस्ट रेस्ट होती है, तो मतलब जगह भी काफ़ी अच्छी है ना, रास्ते बहुत है, छोटे रास्ते बहुत है, लेकिन हमने बड़ा रास्ता मार दिया, आई रास्ते छोड़ा हम लोगों को, बड़ी
ये है ना चक्कर मारने, हाँ चक्कर मारने यार मोटरसाइकिल एक बार निकलती है। अच्छा हाँ मैं एक बात कह रहा था, अभी मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है आज कल पेशावर में, क्योंकि पहले दो दिन जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से मौसम बहुत प्यारा हो गया। देखे तो बारिश वारिश हो रही थी तो मौसम तो बड़ा अच्छा हुआ था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ स्टेडियम रोड स्टेडियम माशाल्लाह स्टेडियम रोड इन्होंने बड़ा खर्चा किया, इन्होंने मतलब पौधे वगैरह और भी लगाया, तो ये काफ़ी मतलब हरा भरा हो गया। जो पिछली दिन बारिश हुई थी ना उसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि वो दो दिन बारिश हुई थी तो टेम्परेचर अभी तो फील और है वो 22 से 23 डिग्री के दरमियान फील और है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया हुआ है, क्योंकि अभी आगे जो है ना आज से धूप है और कल से फिर बारिश के इम्कान है। तो बस यही है कि बारिश होती रहे, रोज अच्छे गुजर जाए हमारे सारे, तो बस यही है कि यार इतनी ज़्यादा बारिश हम यार बस अल्लाह दे देख हम भी रमज़ान मुसलमान बन जाते हैं, रमज़ान के बाद हो जाए पहले पिछली बार थी नमाजे पढ़ते थे रमज़ान के पहले हफ्ते, रमज़ान के बाद जो पहले दो हफ्ते थे उस पर हम नमाजें पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो रूह चढ़ जाती है ना हमारे अंदर वो अरिजीत सिंह जाग जाते हैं हमारे अंदर, फिर हम लोग हमारे अपने दुखी गाने शुरू हो जाते हैं और हर टाइम बस एंट्री कान के अंदर और गाने गाना तो दुखी गाने के बजाय दुखी गाने शुरू हुआ, पेपर आ गया तो दुखी अभी तक तो हाँ बोर्ड का अभी डेट तो नहीं आएगी पेपर कब है, बट यही है कि जल्दी आ जाएंगे क्योंकि पंजाब में तो आई थिंक से रमजान के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, अभी हमारे जेपी का तो नहीं पता, बस उम्मीद यही है कि यार जब मर्जी स्टार्ट हो मतलब तैयारी दिक्कत है ज़रा अच्छी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएंगे ताकि कल को अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और मतलब लोग ये ना कहें कि मतलब पढ़ाई सही नहीं की थी कि हमारे बच्चे का पढ़ाई सही नहीं की थी, तो बस अभी जाता हूँ कल बस पहुँचने वाले हैं क्योंकि ये रास्ता ज़रा बड़ा पड़ता है ना उस रास्ते के मुकाबले में, तो उम्मीद यही है कि जल्दी पहुँच जाएंगे कि वो अभी हम आ गए कदन की तरफ, तो कदन को ब्रेड देते हैं फिर जाते हैं अपनी तरफ, तो धूप ज़्यादा हो गई है मैंने अभी थोड़ी तारीफ क्या कर दी है मौसम की, धूप ज़्यादा हो गई है उस्ताद चल जाए उस्ताद गंडी मार के जाके ब्रेड दे। तो यार मैं घर आ गया था ना बीच में आप लोगों ने देखो अगर वो स्टेडियम रोड पे जब मैं था ना अब वहाँ से एक चिंची आई थी ना, चिंची में दो तीन आंटियाँ बैठी हुई थी और लड़कियाँ बैठी हुई थी, अब वो मैं पहली बार सुबह को था जब नए नए ब्लॉग स्टार्ट करा तो वो तो आपको बहुत अजीब सा फील होता ना, अब ऊपर से हमारे लिए कैमरा इतना पकड़ा हुआ था अब यहाँ उनको लगे हम उनकी वीडियो बना रहे क्या, अब मैं फील पर बोल रहा हूँ यकीन बोले कि तब से मेरी हंसी बाहर आ गई थी, मैंने उसको कहा भाई मैंने कहा कैमरा बंद कर यार बहुत अजीब सा लग रहा, उसके बाद बस इधर जब आया फिर इधर आया तो मैंने माइक को मैंने कहा यार मैंने वैसे वो आंटी इस तरह देख रही थी कि बोलते नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया यार वाला मैं तो हंसी नहीं मेरी उस टाइम पर रुक रही थी, तो अभी बस मैं थोड़े बाद जाऊँगा वो बनाने के लिए तो मैं आप लोगों को सारी रेसिपी बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ डालनी है, तो फिर जब मैं जाऊँगा तो फिर आप लोगों को साथ लेके जाऊँगा, तो चलें फिर मिलते हैं। तो यार हम लोगों ने रात को मैंने चिकन मैरिनेट करके रख लिया था, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक पाव चिकन लिया ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक अलग से बर्तन ले लेना है और उसमें आप लोगों ने डाल लेना 2 चम्मच दही के ठीक है, 2 चम्मच दही भी डालने के बाद उसमें आप लोगों ने डालना है 1 टीस्पून आप लोगों ने लाल मिर्च डालनी है ठीक है, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला जाएगा ठीक है, और 1 चुटकी आपने जलजीरा का रंग डाल लेना ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने ले लेना 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसके बाद आप लोगों ने ले लेना 1 टीस्पून सिरका, ये डालने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ठीक है, और चिकन की आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपने बिल्कुल छोटे छोटे बोटियाँ करनी जैसे आप लोग देख सकते हैं ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने मैरिनेट करने के लिए रख लेना है, तो वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाते तो उसके बाद फिर आप लोग कर लें तो ये बहुत अच्छे बन जाएंगे, तो ये मैं आपको बना के भी दिखाऊँगा कि ये बनने के बाद किस तरह के लगते हैं। तो हाँ भी मैंने इसको कट कर लिया है, तो अब आप देखें ये कटिंग के बाद माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लुक दे रहे, तो अफ्तारी के बाद अब मैं कहूँगा वैसे ये जो मैंने आप लोगों की रेसिपी बताई है वाकई में बहुत मज़े की बनती है क्योंकि मैंने पहले ट्राई की हुई है ना, तो अगर आप लोग भी इसको बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी।